अक्सर मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, मैडम आप टीचिंग 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 करती हैं और आपकी कोई हॉबी नहीं है, तो ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही है ये मेरी हॉबी है, ये मेरी कैट है, ये मेल है लेकिन मैंने इसका फीमेल नेम रखा हुआ है टिटी। जब मैं घर एंटर होती हूँ तो ये मुझे बड़ा इंथुजियास्टिकली वेलकम करती है, मिलती है, जुफी वगैरह डालती है, खुश होती है, मतलब खुशी का इजहार करती है कि शुक्र है तुम वापस आई हो। ये ना अटेंशन सीकर सी है, वैसे तो सारे पेट्स होते हैं लेकिन इसको ज़्यादा केयर चाहिए होती है। ये नाराज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके टेंट्रम्स ही अलग है, इंसान ज़्यादा ही है। आज ये नाराज़ थी तो इसको पहले इसने ज़िद की कि मैंने नीचे बैठना है। अब देखें ये लाड करने की कोशिश कर रही है, मतलब एटीट्यूड दिखा रही है कि मैंने गोद में नहीं बैठना, तो ये मेरे से लाड कर रही है क्योंकि इसको वक्त मिला। और इतना इसमें एटीट्यूड है, जितनी काली उतना एटीट्यूड रखती है ये। आज खेली भी नहीं है कि मुझे पूरा वक्त नहीं दिया आपने, मुंह बना के बैठी रही है। ना इसने अपनी बॉल को रिस्पॉन्स किया है, ना इसने मेरी तरफ ध्यान से देखा है। इवन ये इतने अटेंशन सीकर पेट्स होते हैं कि जिससे नाराज़ होते हैं इंसानों की तरह अपने जैसे से रियलाइज़ करवाते हैं। देखें हादी की गोद में वो नहीं बैठ रही क्योंकि वो मेरी मुझसे नाराज़ है, तो वो मेरे गोद में बैठेगी और मुझे रियलाइज़ करवाएगी कि हाँ तुम्हारी गलती थी, तुमने आज मुझे टाइम नहीं दिया। तो अब ये देखें कि मेरे साथ इसकी उनसियत किस लेवल की है, और अब ये मेरे साथ ही लाड कर रही है, मेरी ही गोद में इसको बैठना है। तो ये बेसिकली मेरी हॉबीज़ हैं। जो स्टडीज़ के अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पेट्स को टाइम दूँ, मेरे पास और भी पेट्स हैं। ये सिर्फ एक टिटी को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों के साथ, सिर्फ स्टडीज़ ही मेरी लाइफ में नहीं। आज इतना ज़्यादा नाराज़ थी, इसको वक्त नहीं मिला था 3-4 दिनों से, कि इसने अपने जो बाल होते हैं ना फीदर्स, ये इसने अच्छे खासे एग्रेसिवली खड़े कर लेते हैं ना गुस्से का इजहार करते हुए। फिर उसको राज़ी करने के लिए थोड़ी थोड़ी बारिश हुई तो मैं इसको टेरेस पे भी लेके गई हूँ ठंडी हवा में, कि उसका मूड चेंज हो, थोड़ी फ्रेश हो, मेरे से नाराज़ है तो राज़ी हो। तो ये बेसिकली मेरी हॉबीज़ हैं स्टडीज़ की। बेसिकली मेरी हॉबीज़ हैं स्टडीज़ के अलावा, जो मेरी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मेरे साथ अटैच है और जो परेशान है, मेरे लिए पढ़ती पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे काम भी करती हूँ।